जय श्री कृष्णा हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभी गर्मी के मौसम में आम काफ़ी अच्छे और मीठे मिलते हैं और आम का उपयोग करके हम विविध रेसिपीज बनाते हैं तो आज मैं आपके साथ गुजराती स्टाइल फजेतों की रेसिपी शेयर करूंगा जिसे आप आम रस की कड़ी भी कह सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी तैयार होती है तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं पके आम के अंदर से जो गुटलियाँ निकलती है उसे हम फेंक देते हैं लेकिन आज हम उसी गुटली का उपयोग करके फजे तो बनाएंगे उसके लिए एक सॉस पैन में मैंने दो नंग पके आम की गुटलियाँ ली है उसमें एक कप पानी ऐड करके उससे हाथसी मदद से अच्छे से मसलेंगे, ताकि आम की गुटली के ऊपर जो पल्प लगा होगा वो सब निकल कर पानी के साथ मिक्स होगा गुटलियों को हमें अच्छे से साफ करना है ट्रेडिशनल तरीके से फजे तो इस तरह से आम की गुटली का उपयोग करके ही बनाया जाता है ये गुटलियों को आप धूप में सुखा कर फिर उसे तोड़ कर अंदर से जो गुटली निकले उसे प्रेशर कुक करके उसमें से मुखवास भी बना सकते हैं फिर हम उसमें आधा कप मीडियम खट्टा दही और बाइंडिंग के लिए एक से डेढ़ चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे बेसन ऐड करना ऑप्शनल है लेकिन ऐड करोगे तो फजे का टेस्ट और बाइंडिंग दोनों ज़्यादा अच्छा आएगा इस तरह से सब कुछ मिक्स करने के बाद फिर हम उसमें दो कप पानी ऐड करेंगे हम जो रेगुलर गुजराती कड़ी बनाते हैं उससे भी फजेतों की कंसिस्टेंसी थोड़ी अधिक पतली होती है इसलिए अभी हमने टोटल तीन कप पानी और आधे कप दही का उपयोग किया है सभी इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तैयार किए हुए गोल को गैस के ऊपर रखकर उसमें स्वादानुसार नमक ऐड करके उसे अच्छे से मिलाएं और तीन से चार उबाल आए तब तक हमें उसे पकाना है मसाले में हम पाव चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और फ्लेवर के लिए सात से आठ कड़ी पत्ते ऐड करके उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे जैन लोग दही को गर्म नहीं करते यानी कि फजे तो बनाते वक्त उसमें दही ऐड नहीं करते और अदरक की पेस्ट की जगह वो जिंजर पाउडर का उपयोग करते हैं फजे तो को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें आधा कप हम केसर आम का रस ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे आपके वहाँ जो भी आम मिलते हो वो आप उपयोग में ले सकते हैं पुष्टि मार्ग में ये सामग्री को अड़बंगा कहा जाता है जो उष्णकाल में श्री प्रभु को राजभोग में दरी जाती है अब दूसरे गैस पर एक तड़का पैन में एक टेबल स्पून घी लेकर उसे लो फ्लेम पर गर्म करें फिर उसमें पाव चम्मच सूखी मेथी के दाने एक चम्मच जीरा चुटकी भर हींग दो लवंग और दो साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे लाल मिर्च को बीच में से तोड़कर ही ऐड करें ताकि वो फूट कर बाहर ना आ जाए एक तेज पत्ता और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे जीरा और मेथी अच्छे से चिटकने लगे फिर पाँच से सात कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और वो थोड़े क्रिस्पी हो जाए तब तक हम उसे सौते कर लेंगे आप इसमें पाव चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं तैयार किए हुए तड़का को फजेटो तो में ऐड करके अच्छे से मिलाकर उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब तक हम उसे पाँच मिनट तक पकाएंगे तीन चम्मच हम बारीक कटा हुआ गुड़ ऐड करेंगे गुड़ की जगह पर आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं और गुड़ और शक्कर कुछ भी ऐड ना करना हो तो भी हमने आम रस ऐड किया है उसके कारण फजेटो तो का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा फ़जेतों की कंसिस्टेंसी उबल कर थोड़ी गाढ़ी हो जाए फिर आखिर में हम उसमें एक टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे देखते ही खाने का मन करे वैसा बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टा मीठा फ़जे तो बनकर तैयार है गैस की फ्लेम बंद करें गर्मी के मौसम में कुछ हल्का खाने का मन करे तब आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें ये फजें तो चावल के साथ काफ़ी टेस्टी लगता है वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो